कहते हैं हर काम के लिए एक समय होता है, और समय को सहेजना छोड़ दीजिए, ये किसी का नहीं होता। नमस्कार, मैं संजय किरोड़ीवाल, योर बायोलॉजी मेंटर, एंड यू आर वॉचिंग किरो क्लासेस। आज है गुरुवार, थर्सडे आज, और आज का दिन शेड्यूल्ड हुआ है प्लस टू एग्रीकल्चर बायोलॉजी के लिए, और अपना टॉपिक चल रहा था इंसेक्ट। इस चैप्टर के अंदर टोटल 10 इंसेक्ट अपने को करने हैं, और पहला जो आज का अपना इंसेक्ट रहेगा वो होगा रेड हेरी कैटरपिलर, जिसको आम भाषा में, आम बोलचाल में कातरा कहते हैं। तो आज का अपना कीट है रेड हेरी कैटरपिलर, यानी कातरा। और इस इंसेक्ट को रेड हेरी कैटरपिलर इसलिए बोला गया है कि इसकी पूरी बॉडी पर, जब ये लार्वा स्टेज में होता है तब इसकी पूरी बॉडी पर लंबे हार्ड रेड कलर के, स्कारलेट रेड कलर के, सिंदूरी लाल रंग के बाल पाए जाते हैं, सिर्फ जब ये लार्वा अवस्था में होता है, लट अवस्था में होता है। इसका साइंटिफिक नेम या वैज्ञानिक नाम होता है एमसेक्टा मोराई। एमसेक्टा मोराई इसका वैज्ञानिक नाम है। और इसको संघ या फाइलम, किस संघ या फाइलम में रखा गया है, इसको जगह मिली है संघ ऑर्थ्रोपोडा में, ऑर्थ्रोपोडा, जिसके अंदर सबसे पहले संदिग्ध उपांग बनने प्रारंभ हो गए थे, जॉइंटेड अपेंडिजेज मिलने प्रारंभ हो गए थे, जिनके अंगों में जोड़ पाए जाते हैं, जॉइंट्स पाए जाते हैं, ऐसे अंग बनने प्रारंभ हो गए थे इस संघ के सदस्यों में। और इसको एक वर्ग में रखा गया, इस संघ का एक वर्ग है, एक क्लास है इंसेक्टा, इसलिए इनको इंसेक्ट बोला जाता है। तो इस इंसेक्टा वर्ग के अंदर इनको रखा गया है। ऑर्डर की बात करें, गण की बात करें, तो वो है लेपिडोप्टेरा। फैमिली या जो कुल है वो है आर्कटीडी। एक खास बात और, जो लेपिडोप्टेरा गण है, लेपिडोप्टेरा, उसके सभी सदस्यों को टाइगर मोथ के नाम से भी जाना जाता है, टाइगर मोथ। चलिए अब बात करते हैं सिग्निफिकेशंस की, कि वो कौन कौन से लक्षण हैं, वो कौन कौन से पहचानने योग्य लक्षण हैं, जिसके आधार पर अपने पहचान कर सकते हैं कि ये कातरा है या रेड हेरी कैटरपिलर है। तो इसमें दो बातें करते हैं, एक तो व्यस्क की, कि व्यस्क को किस तरह से पहचाना जाएगा, और दूसरा होता है अपना लार्वा या लट अवस्था, तो वो किस तरह से उसकी पहचान अपने करेंगे। तो सबसे पहले अपने लेते हैं अडल्ट को, व्यस्क को, जो बटरफ्लाई की तरह दिखता है, जिसके पंख निकले होते हैं। इसमें मीडियम साइज्ड बॉडी होती है, ना ज़्यादा बड़ा होता है दिखने में, ना ज़्यादा छोटा होता है, मीडियम साइज्ड बॉडी देखने को मिलती है, जिसके ऊपर सफ़ेद रंग के पंख दिखाई देते हैं, देख सकते हैं आप पिक्चर के अंदर। और उस सफ़ेद रंग के पंखों के ऊपर ब्लैक स्पॉट्स दिखाई देते हैं, काले धब्बे छोटे छोटे आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो ये इसके व्यस्क की पहचान हो गई। अब बात करते हैं अपने लार्वा या लट अवस्था की। जो लार्वा स्टेज है उस पर मैंने बता ही दिया कि इसकी, इसका जो नाम पड़ा है वो किसके आधार पर पड़ा है। इसका नाम पड़ा है इसके शरीर के ऊपर पाए जाने वाले स्कारलेट रेड रंग के जो हार्ड और लॉन्ग हेयर हैं ऑल थ्रू द बॉडी। किसको छोड़कर? इसके मुख को छोड़कर, इसके मुंह को छोड़कर, इसके माउथ को छोड़कर पूरे शरीर के ऊपर रेड हेयर मिलते हैं, स्कारलेट रेड, सिंदूरी लाल रंग के लंबे बाल पाए जाते हैं, इसलिए इसको बोला गया रेड हेरी कैटरपिलर। और इसका माउथ डार्क ब्राउन कलर का होता है, जिस पर बाल नहीं पाए जाते। अब बात करते हैं कौन सी फसलों को डैमेज कोज करता है, कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जिसको ये डैमेज कोज करता है या नुकसान पहुंचाता है। यह खरीफ फसलों को नुकसान पहुंचाता है, और खरीफ फसलों के नाम आपको जो भी याद आ रहे हैं वो लिखे जा सकते हैं, उसमें बाजरा, ज्वार, ग्वार, जो भी। ये रीज़न पे डिपेंड करता है, ये उस क्षेत्र पर डिपेंड करता है कि वहाँ पर कौन सी फसल उगाई जा रही है, कौन सी खरीफ फसल उगाई जा रही है। अब बात करेंगे लाइफ साइकिल की, जीवन चक्र की। जो कातरा है उसका जीवन चक्र है, या कह सकते हैं उसमें जो कायांतरण पाया जाता है, तो वो पूर्ण कायांतरण होता है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है, क्योंकि इसमें चारों स्टेजेस देखने को मिलती है, चाहे वो अडल्ट हो, चाहे उसके बाद में अंडा हो, उसके बाद में लार्वा, और उसके बाद में प्यूपा स्टेज, ये सारी स्टेजेस इसमें देखने को मिलती है। तो अपने पहले बात करेंगे अंडों की। लीफ की लोअर सरफेस पे, पत्तियों की निचली सतह पर अंडे दिए जाते हैं, और अंडों का रंग और उसका आकार बिल्कुल पॉपी सीड्स की तरह होता है, जो अफीम के बीज होते हैं, या कह सकते हैं जो खसखस, आम भाषा में खसखस बोलते हैं, उनके बीजों की तरह दिखाई देते हैं। अंडों से निकलेंगे लार्वा, और लार्वा है उसके ऊपर अपने देख चुके हैं कि लाल, सिंदूरी लाल रंग के बाल पाए जाते हैं। तो कितने दिनों में उन अंडों में से लार्वा बाहर निकलेंगे,
तो वो इंक्यूबेशन पीरियड होता है कि कितने दिनों में अंडों में से लार्वा है वो बाहर निकलेंगे, वो उसका उष्मायन काल या इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो रहता है 5 दिनों का। तो जब अंडे दे दिए जाते हैं तो अंडे देने के 5 दिनों के बाद में उसमें से लार्वा बाहर निकल आते हैं, और लार्वा ही क्या होता है, वो मुख्य अवस्था होती है जो डैमेज कॉज करती है, फसलों को नुकसान पहुँचाती है। लार्वा जब खाना बंद कर देता है तब वह चला जाता है प्यूपा स्टेज में। प्यूपा स्टेज एक तरह से रेस्टिंग फेज मानी गई है जिस पर वो कोई एक्सटर्नल एक्टिविटी शो नहीं करता। एक्सटर्नल एक्टिविटी बाह्य गतिविधि नहीं दिखाई देती, लेकिन अंदर ही अंदर उस प्यूपा स्टेज के अंदर वो विकासशील होता है, वो विकास करता रहता है। प्यूपा स्टेज मिट्टी में चलती है 30 सेंटीमीटर गहराई में और 9 से 10 महीने तक चल सकती है, और मोल्टिंग होती है पूरे समय में 6 बार। मोल्टिंग में आपको बता चुका हूँ, तो 6 महीने बाद में वयस्क तैयार हो जाता है, अडल्ट तैयार हो जाता है। अब बात करेंगे अपने कंट्रोल की, किस तरह से अपने इसी पॉपुलेशन को कंट्रोल करें जब ये नुकसान करना प्रारंभ कर दे। जब तक किसी इंसेक्ट की पॉपुलेशन इतनी अधिक ना हो जाए कि वो नुकसान करना प्रारंभ कर दे, तब तक हमें किसी तरह का कोई कंट्रोल मेथड या किसी तरह का कोई पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड काम में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे जो अपना इकोसिस्टम है वो इम्बैलेंस हो जाता है। तो अपने कंट्रोल करने के बहुत सारे तरीके हैं, मैकेनिकल मेथड हैं, केमिकल मेथड हैं, अपने बायोलॉजिकल मेथड है, बायो कंट्रोल है, बहुत सारे मेथड हैं। सबसे पहला कंट्रोल मेथड है लाइट ट्रैप, प्रकाश पाश। रात्रि के समय क्या काम करते हैं, ये बल्ब जला के छोड़ देते हैं। मोस्टली जो मरकरी का बल्ब होता है वो अपने काम में लेते हैं, खेत में जलाकर छोड़ देते हैं और उस लैंप के नीचे अपने केमिकल या इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड डाल के रख देते हैं। तो होगा क्या, उस लाइट के थ्रू अट्रैक्टेड होकर जितने भी इंसेक्ट होंगे जो कि नॉक्टर्नल होते हैं, मोस्टली जो अपना तक कातरा है, वो अडल्ट फॉर्म में वहाँ अट्रैक्टेड होकर पहुँचेगा, उस केमिकल में गिरेगा, उस इंसेक्टिसाइड में गिर जाएगा और उसकी डेथ कॉज हो जाएगी। तो ये पहला मेथड है लाइट ट्रैप। दूसरा, अपने कुछ परजीव्याप भी काम में ले सकते हैं। परजीव्याप या पैरासिटॉइड क्या होते हैं, ये वो इंसेक्ट होते हैं जो दूसरे इंसेक्ट को खाते हैं। तो एक तरह से एक इंसेक्ट है वो दूसरे इंसेक्ट की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लेता है। तो यहाँ पर 2 इंसेक्ट के नाम मैंने लिखे हैं, एक तो ट्राइकोग्रामा है और दूसरा है टेलेनोमस। ये इन कातरा के जो लार्वा है उनको खाकर उनको कंट्रोल कर सकते हैं, तो आपने इनको भी पाल सकते हैं, रेयर कर सकते हैं। तीसरा, आपने कुछ इंसेक्टिसाइड काम में ले सकते हैं, जैसे मेलाथियन है। मेलाथियन के अलावा अपने काम में ले सकते हैं क्यूनेल फॉस, जो इफेक्टिव है। इस तरह से कातरा को आज अपनों ने कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंसेक्ट को लेंगे, तब तक के लिए बने रहिए, टिके रहिए एंड इनहेल बायोलॉजी।